CAA NRC के विरोध और प्रमोशन में आरक्षण की मांग को लेकर भीम आर्मी ने भारत बंद किया। इस भारत बंद का असर बिहार पर भी पड़ा। बिहार में इस बंद को महागठबंधन कर समर्थन मिला। राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जाप और VIP ने इस बंद को समर्थन दिया। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी भारत बंद का समर्थन किया। बंद के समर्थन में पप्पू यादव भी सड़क पर उतरे। पटना के डाक बंगला चौराहे पर भी बंद समर्थकों ने हंगामा किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस बल के बीच नोकझोंक भी हुई। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी जख्मी हो गया। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि मोदी सरकार से वो किसी भी कीमत पर कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। जब मोदी जी एक इंच नहीं हटेंगे, संविधान को धमकी देंगे, न्यायालय को धमकी देंगे, ट्रंप को बुलाकर दलितों को अपमान करवाएंगे, दीवार लगा देंगे और ट्रंप से भारत को धमकवाएंगे और ट्रंप ही आकर के हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा, ट्रंप पे आकर के सब कुछ करेगा। और जब तुम दलित विरोधी लोग, जब NPR और NRC के मुद्दा थी, इसमें मेरा साफ शब्द है कहना, उसमें कोई समझौता नहीं है कि एक आर में नफरत पैदा कर रहे हो, भारत को बांट रहे हो और दूसरी तरफ आप दलितों के आरक्षण को समाप्त कर रहे हो, उसके प्रमोशन को समाप्त कर रहे हो, निजी क्षेत्र में आरक्षण को समाप्त कर रहे हो, पिछड़े के क्रिमिनल के नाम पर कर रहे हो, टीचर को आप समाप्त कर रहे हो, तो ये लड़ाई साफ है, कोई कंप्रोमाइज नहीं हो। वहीं इस मौके पर तेजस्वी यादव की बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर भी पप्पू यादव ने तंज कसा। पप्पू ने कहा कि 30 साल से दो नेताओं ने बिहार का सत्यानाश कर दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि इस भारत बंद का RJD ने केवल नैतिक सपोर्ट किया है। बिहार को नाश करने वाले बारे के लोगों सब के बारे में हमको कुछ नहीं कहना। 30 साल में बिहार कहाँ चला गया और इन लोगों को जनता समाप्त करेगी, मेरा उस पर कुछ नहीं कहना है। जिन लोगों ने बिहार के युवाओं को, छात्रों को, जिन लोगों ने बिहार में रोजगार की जरूरत थी, हेल्थ और एजुकेशन की जरूरत थी, लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत थी, तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने बिहार को 28वें नंबर पर ले गया और सब कुछ को समाप्त कर दिया। बिहार मजदूरी बाहर, बेरोजगार बाहर, बिहार में बीमारी के लिए इलाज बाहर। इसीलिए बिहार का निर्माण, बिहारी का निर्माण ये डायलूट नहीं कर सकते। 30 सालों में बिहार और बिहारियों को समाप्त कर दिया, ये लड़ाई सीधा। सर मेरा कहना है कि हर बार हर पार्टियां कुछ ना कुछ करती है तो उसमें जन अधिकार पार्टी खड़ी हो जाती है, सड़क पर उतर जाती है, लेकिन जिस समय बाढ़ में जो जन अधिकार पार्टी को देखा था रोड पर, वो जन अधिकार पार्टी कब रोड पर दिखेगा? सर सर समझ में नहीं आता, जन अधिकार पार्टी तो रोड पर है ही, बाढ़ में भी था, प्याज में भी, सर बाढ़ में भी, प्याज में नहीं थे तो वो कब दिखने के लिए खुल करके मिलेगा? बाढ़ और प्याज में नहीं थे, बेटियों की सुरक्षा का सवाल है तो वहाँ नहीं थे। हर सवाल में ना जन अधिकार पार्टी, छात्र परिषद मेरा युवा है, अभी आपने लाठी से पैर तोड़ दिया मेरे बच्चों को, मेरे छात्र अध्यक्ष गाड़ी चला दिया। लेकिन जब आप दिखते हैं, लेकिन जो जो सड़क जो ऐलान कर देते हैं कि आज भारत बंद करना है, वही लोग खुद सड़क में नहीं देखे हैं। आज RJD भी कहीं कोई नहीं देखी, सब सिर्फ कार्यकर्ता दिखे। नैतिक जिम्मे वो नैतिक सपोर्ट करते हैं, चारित्रिक सपोर्ट उनका नहीं होता। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि वो प्रमोशन में आरक्षण के समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि सरकार SC और ST के हितों के खिलाफ काम कर रही है। भीम आर्मी के द्वारा आरक्षण में जो कटौती की बात आई है, आरक्षण को मौलिक अधिकार से हटाने की बात आई है, इसके चलते आज भारत बंद का नारा दिया था। और बात सही है कि प्रमोशन में आरक्षण हो या आरक्षण हो, उसको मौलिक अधिकार यहाँ के सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती है, जबकि संविधान में आरक्षण मेरा मौलिक अधिकार है। ऐसी परिस्थिति में ऐसा लग रहा है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और OBC के विरुद्ध ये सरकार कोई भी हद तक जा सकती है। मोतिहारी में भी भीम आर्मी और जन अधिकार पार्टी ने बाजार बंद किया है। सुबह से ही इस बंद का असर देखने लगा था। अहले सुबह ही बंद के समर्थन में जन अधिकार पार्टी के समर्थकों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि प्रमोशन में आरक्षण के लिए मोदी सरकार अध्यादेश लाए।
वहीं बेगूसराय में भी भीम आर्मी और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। शहर के ट्रैफिक चौक पर भी भीम आर्मी और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 31 को जाम कर दिया। वहीं बंद समर्थकों ने राज्य रानी सुपर फास्ट ट्रेन और गुवाहाटी जम्मू तवी एक्सप्रेस को रोक दिया। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रमोशन में आरक्षण देने की मांग की। केंद्र की मनुवादी सरकारों और न्यायपालिकाओं ने साठ गांठ करके जो SC ST OBC माइनॉरिटी के आरक्षण पे हमला किया गया है न्यायालय के द्वारा यह कहना कि आरक्षण जो है मौलिक अधिकार नहीं है, उस टिप्पणी के विरोध में, न्यायालय की जातिवादी मानसिकता के विरुद्ध में हम आरक्षण बचाने, नागरिकता बचाने के लिए अभी हम भारत के चक्का जाम किए हैं, रेल का चक्का जाम करने के लिए आज इस रोड पर हैं। वहीं भोजपुर में भी भीम आर्मी के बंद का असर दिखा। बंद समर्थकों ने रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक दी तो जगह जगह सड़क पर भी जाम लगा दिया। इस दौरान आरा GRP का जवान एक शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले जाते नजर आए। GRP के जवान ने शव को ठेले पर आरा सदर अस्पताल पहुँचाया। रेलवे ट्रैक रेलवे स्टेशन से पूरा 591/2 के बीच में ट्रैक से सटे हुए ये मृत अवस्था में मिले हुए हैं। हम लोग सूचना के आधार पर गए और डेड बॉडी लेके पोस्टमार्टम कराने के लिए। कैसे इनकी मौत हुई है कि पता चला? ऐसे में तो डॉक्टर साहब बताएंगे। क्या संभवतः मैंने क्या लग रहा है? इसको हम लोग को सूचना मिली कि किसी ट्रेन से गिरे हुए। अब इन लोग को कहाँ लेके जा रहे हैं सदर? हम लोग आरा ले जाएंगे, थाना से ले जाएंगे पोस्टमार्टम के लिए सदर की तरफ। गाड़ी उड़ी नहीं थे ले जाने के लिए? ना, जो हमारे पास व्यवस्था है उसी से हम लोग ले आते हैं। भारत सरकार और बिहार सरकार ने आरक्षण में कोई फेरबदल नहीं की है। आज भी आरक्षण के तहत ही सारी सरकारी नौकरियों में बहाली होती है। हालांकि भीम आर्मी और उनकी समर्थक पार्टियों ने अब प्रमोशन में आरक्षण देने की मांग की है। NDA की सरकार में शामिल रामविलास पासवान और रामदास अठावले ने भी प्रमोशन में आरक्षण देने की मांग सरकार से की है। प्रमोशन में आरक्षण पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। अब सबकी नजरें इस मुद्दे पर मोदी सरकार के स्टैंड पर टिक गई है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि मोदी सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या रुख अपनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।